नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीव वर्मा राइजिंग सन। मैं हूं आपका दोस्त संजीव वर्मा। फिर लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अमरीकी बैंकिंग संकट के ऊपर। यूएस का जो बैंकिंग संकट है वो क्या पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है, पूरे विश्व को रिसेशन की आंधी में धकेल देगा। आज एक और बैंक अमेरिका का धराशायी हो गया है, सिग्नेचर बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। अमेरिका का थर्ड लार्जेस्ट बैंकिंग क्राइसिस है ये अभी तक का। 2008 के बारे में भी आपको बताएंगे, 2008 में किस तरीके से बैंकिंग संकट की वजह से पूरे विश्व को मंदी की आहट झेलनी पड़ी थी, मंदी की परेशानियां झेलनी पड़ी थी, जिसमें ना जाने कितनी नौकरियां गई, कितने व्यवसाय बंद हो गए, कितनी कंपनियों को ताला लगाना पड़ा। आज सिग्नेचर बैंक भी धराशायी हो गया है। सबसे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं, 2008 में ये न्यूज छपी थी द टाइम्स में, लेमैन ब्रदर्स बैंक जो थे वो क्लब्स हो गया था। उसके पीछे का कारण आपको सबसे पहले बताते हैं। लेमैन ब्रदर्स बैंक 2008 में क्यों हुआ क्या था कि पहले बहुत तेजी थी, इन्फ्लेशन था, लोगों के हाथ में पैसा था, तो बैंक अंदर धुन प्रॉपर्टी मॉर्गेज में पैसा बांट रहा था। बहुत सारी प्रॉपर्टियां उसने मॉर्गेज कर ली थी और पैसा अंधाधुन बांट दिया। लेकिन जैसे ही फेडरल बैंक ने अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाई, उसके बाद मंदी का माहौल आ गया, लोगों के पास से पैसा खत्म हो गया, प्रॉपर्टीज की कीमत गिर गई और लोगों ने ईएमआई देनी बंद कर दी। लेमैन बैंक्स थे, सबसे बड़ा बैंक कहलाता था ये, अभी तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल संकट जो था वो लेमैन ब्रदर बैंक का हुआ था, जो 2008 में हुआ था। तब लोगों ने ईएमआई देनी बंद कर दी, प्रॉपर्टी सस्ती थी, बैंक को प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे थे और बैंक के पास लिक्विडिटी संकट हो गया था। तो यूएस जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बैंक की सारी एसेट अपने कब्जे में ले ली थी और बैंकिंग में ताला लग गया था। ये पूरी कहानी 2008 का इतिहास कहीं ये दोबारा तो नहीं दोहराया जा रहा। तब भी बैंक ने अपनी रेट बढ़ा दी थी, बैंक ने अपनी रेट बढ़ाई। जो सेंट्रल बैंक होता है वो पूरा कंट्रोल रखता है लिक्विडिटी के ऊपर। मार्केट में अगर लिक्विडिटी जाते होती है तो महंगाई बढ़ती है, लोग अंधाधुन खर्च करते हैं। लेकिन जैसे ही लिक्विडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी को बैंक कंट्रोल करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, जैसे अपने यहाँ सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे ही वो रेपो रेट बढ़ाता है बैंक को अपनी रेट बढ़ानी पड़ती है, बैंक को अपनी रेट बढ़ानी पड़ती है, तो लोग लोन लेना कम कर देते हैं। जो लोन ऑलरेडी चल रहे हैं उसको प्री क्लोजर के लिए ज्यादा पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं और मार्केट से पैसा खत्म हो जाता है। मार्केट से पैसा खत्म होता है तो चीजों के रेट गिरने लगते हैं। इसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है रेपो रेट के ऊपर, किस तरीके से पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा, उसमें डिटेल जानकारी सिस्टम के बारे में दी गई है। तो उस समय में क्या हुआ था, लेमैन ब्रदर ही नहीं बैंकरप्सी के कगार पर थे। उस समय बहुत सारे बैंक इस तरीके से बंद हुए थे, जिसमें कि लेमैन के अलावा सिटी बैंक भी था सबसे प्रमुख। इसके अलावा ये सारे बैंक जो इसमें दिए गए हैं, विल यू बी द नेक्स्ट, इस तरीके का आंदोलन, बहुत सारे जब बैंक बंद हुए, म्यूचुअल फंड बंद हुए, तो पूरे वर्ल्ड को मंदी के संकट में धकेल दिया गया था। तो आज कहीं वो इतिहास दोबारा तो नहीं दोहराया जा रहा है, सिग्नेचर बैंक इज सट बाय रेगुलेटर आफ्टर SVB कलैप्स। SVB बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, दो दिन पहले कलैप्स हुआ, सिर्फ दो दिन में ही पूरी सिनारियो बैंक का बदल गया, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई, कुछ बैंकिंग मैनेजमेंट के गलत डिसीजन हुए, बॉन्ड में उन्होंने नुकसान उठाया, बॉन्ड सेल किए, उसके बाद शेयर धारकों का पैसा लिक्विडिटी बनाने के लिए शेयर बेचे, शेयर बेचने के बाद ये नेगेटिविटी पूरे जो बैंक के इन्वेस्टर थे, बैंक में जिनका पैसा जमा था, शेयर्स में जिनका पैसा लगा था, उनके पास जब ये खबर पहुंची, उन्होंने देखा कि बैंक की स्थिति शायद सही नहीं है, सबने अपना पैसा निकाल लिया, लगभग 66% SVB का शेयर जो है एक ही दिन में नीचे आ गया।
इसी तरीके से सिग्नेचर बैंक में अब ताला लग गया है, यूएस रेगुलेटर ने उसको अपने अंडर में ले लिया है। इसके पीछे का कारण भी शायद फेडरल बैंक की इंटरेस्ट रेट रही हैं। फेडरल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई हैं उससे बैंक उसे पचा नहीं पा रहे हैं, बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई है और बैंक लगातार कलप्स होते चले जा रहे हैं। इस लिस्ट में अभी और भी कई बैंक हैं जो मूडीज ने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। आगे बताते हैं इसके बारे में, सिग्नेचर बैंक के कलप्स का कारण क्या हुआ। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क स्थित एक क्षेत्रीय बैंक है, एक रीजनल बैंक है। लास्ट फ्राइडे को बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। इस बैंक की शाखा न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, कैलिफोर्निया, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना में इस बैंक की शाखाएं हैं, जिसमें ये सभी ग्राहकों को सेवा देता है। सितंबर 22 तक इसकी जमा राशि लगभग 1/4 क्रिप्टो करेंसी के रूप में थी। क्रिप्टो को ये एक्सेप्ट करता था, क्रिप्टो करेंसी से इसका पैसा आता था, लेकिन पूरे वर्ल्ड का क्रिप्टो मार्केट ही गिरा हुआ है तो बैंक की हालत खराब हो गई, बैंक में लिक्विडिटी की कमी आ गई। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब ये एक और बैंक पत्ता लग गया है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में ये रिसेशन की आहट के रूप में जाना जा रहा है। क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले इस बैंक को, सिग्नेचर बैंक को, अस्थायी रूप से यूएस रेगुलेटर हैं उन्होंने इसे बंद कर दिया है। यूएस रेगुलेटर्स ने इस बैंक के ऊपर ताला डाल दिया है। इसकी सारी एसेट जो है, जो क्रिप्टो का इसका स्टॉक था, वो सब अपने कब्जे में ले लिया है। 2008 का इतिहास लेमन ब्रदर के बाद, जब सिटी बैंक का क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर का आया था और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो वर्ल्ड में हैं, जो पहली स्लाइड में मैंने दिखाए, उनके क्राइसिस के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है अभी तक का। तो अमेरिकन बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता है। पहला लेमन ब्रदर था, दूसरा सिलिकॉन वैली हुआ है दो दिन पहले, आज इसी वीक के, एक वीक के अंदर ही, तीन दिन चार दिन के अंदर ही ये तीसरी बड़ी विफलता एक बैंकिंग इतिहास की है। इससे दो दिन पहले सिलिकॉन वैली को आपने देखा था, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, इस आई बटन में मैं वीडियो इसकी दे देता हूँ। वाशिंगटन म्यूचुअल फंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन था जो वित्तीय संकट के दौरान ढह गया। दो दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया। जो वाशिंगटन म्यूचुअल फंड घोटाला हुआ था, $811 बिलियन का लगभग वो हुआ था, उसमें उसके बाद ये सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली घोटाला हुआ और इसके बाद अमेरिकन बैंकिंग इतिहास का ये थर्ड लार्जेस्ट बैंकिंग क्राइसिस कहा जा रहा है इसको, सिग्नेचर बैंक में जो तालाबंदी हुई है। अब सिग्नेचर बैंक का नंबर थर्ड आ गया, 2008 के बाद ये थर्ड सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस कहा जा रहा है। 2008 में लेमन ब्रदर दिवालिया हुआ था, उसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला के रख दिया था, पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल स्थिति को और आम आदमी पे उसका बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ना जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन बंद हुए, कितनी कंपनियां बंद हुई, कितने लोगों की नौकरी गई। SVB बंद होने के बाद भी लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्टार्टअप से लगभग 1,00,000 लोगों की जॉब पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो गई है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। लगभग 10,000 स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड उससे डिस्टर्ब हुए हैं, उसमें बहुत सारे इंडिया के भी स्टार्टअप्स हैं जिनके पास अब सैलरी देने के लिए पैसा का क्राइसिस हो गया है। अब सबकी निगाह फेडरल बैंक पे है, यूएस गवर्नमेंट पे है कि वो देखिए क्या डिसीजन निकालते हैं, क्या वो पैसा वापस मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ बैंक बंद हो जाता है तो लगभग 5,00,000 रुपए का एक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंश्योरेंस एक तरीके का होता है, लेकिन करोड़ों में भी पैसा जमा है और 5,00,000 का एक सपोर्ट मिल भी जाता है तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फेडरल बैंक के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हैं, माना जा रहा है, गवर्नमेंट ने इंडिकेशन भी दिए हैं कि फेडरल बैंक रेट को रिवाइज कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर सकता है, कम कर सकता है, जिससे कि एटलीस्ट बैंकिंग को सपोर्ट मिल जाए, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगें और मार्केट में पैसा दोबारा से आ जाए। इस बैंकिंग फाइनेंशियल संकट से लगभग 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार होने का खतरा है। सिलिकॉन वैली के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस है। SVB सिलिकॉन वैली बैंक की घटना में ही लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को गहरा खतरा हो गया है, उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो गई है, 1,00,000 से ज़्यादा जॉब जाने का अंदेशा है, लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, स्टार्टअप खतरे में पड़ गए हैं। अभी SVB के खतरे से
उभरे ही नहीं थे। तुरंत सिग्नेचर बैंक को भी यूएस रेगुलेटर ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी एसेट अपने कब्जे में ले ली है। यूएस के बैंकों के डूबने का ये लगातार सिलसिला जारी है। उसके डूबने से ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट आ गई है, सभी सेंसेक्स डूबे हैं, इंडिया में भी सेंसेक्स में भारी गिरावट आई है। बैंकों के क्रैश होने की खबर के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला है। रेड साइन धड़ाम देनी, नैसडेक हो या इंडिया में निफ्टी हो या सेंसस हो, बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं। खतरे की घंटी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, खतरा यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। मूडीज ने इस बैंक के अलावा और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है, नेगेटिव रेटिंग में रखा है, जिसमें से पहला नंबर है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जियोन्स बैंक कॉरपोरेशन, वेस्ट एलायंस बैंक कॉर्प, कॉर्मेरिका इंक, यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्प और इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एसेट्रा। ये जो बैंक हैं इनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है, इनकी रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पे भी जो रेटिंग एजेंसी हैं वो इन पे भी खतरा देख रही हैं। ऐसा हो सकता है कि ये बैंक, इन बैंकों का भी नंबर आ जाए अगर गवर्नमेंट ने समय रहते कोई सही स्टेप नहीं लिया, अगर फेडरल बैंक ने अपनी रेट नहीं घटाई, तो हो सकता है ये बैंक भी बैंकरप्सी के राह पर चलने लगे और ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश है क्रिप्टो की वजह से, इस सिग्नेचर बैंक की हालत ख़राब है क्योंकि उसकी लगभग 1/3 एसेट तो क्रिप्टो में ही थी, जिसको अब यूएस रेगुलेटर ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस तरीके की न्यूज़ जो पूरे वर्ल्ड को दहला रही है, पूरे वर्ल्ड की वित्तीय स्थिति को के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। क्या कहीं ना कहीं हम लोगों की प्लानिंग में कमी रह गई, क्या हम जो रेगुलेटर्स हैं वो इसको सही से नहीं चला पा रहे हैं? दुनिया के सेंट्रल बैंक आंख बंद करके तो कहीं डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बैलेंस को बना के नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण वित्तीय स्थिति बहुत सारे बैंकों की, आम आदमी की, बहुत सारे बिजनेसेस की, व्यापार की, सबकी वित्तीय स्थिति खराब होती चली जा रही है। गवर्नमेंट कहीं इसमें अपना फ़ायदा तो नहीं देख रही है कि अपना तो पैसा आ जाता है लेकिन देश में जनता है उनकी जेब से पैसा निकल जाता है, उनकी स्थिति से किसी को मतलब नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही गंभीर स्थिति में इस टाइम पूरा वर्ल्ड है, चिंता बढ़ी हुई है सारे व्यापारियों की, सारे इन्वेस्टर की और सारे स्टार्टअप्स की। किस वे में जाता है, कहीं 2008 का रिसेशन का रिविजन अब दोबारा तो नहीं आएगा? अगर आता है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो इसलिए अपनी लिक्विडिटी को बचा के रखें, अपने पास पैसा मैनेज करके रखें, क्योंकि उस स्थिति में आपके पास पैसे का बहुत क्राइसिस हो जाता है। छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके पास सैलरी का इशू आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। पिछले कुछ ही दिनों की अगर बात करें तो लगभग 1,00,000 जॉब तो आईटी सेक्टर में कम हुई हैं, लोगों को शक कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे टैलेंट पे क्वेश्चन मार्क है, कहीं ना कहीं ये दुनिया में बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स के मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क है, कहीं ना कहीं ये दुनिया की सरकारें जो देशों को चला रही हैं उनकी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क है अगर इस तरीके की स्थिति आती है। हालांकि ये परमानेंट नहीं होती, परपेचुअल नहीं होती, अगर एक बार मंदी आती है तो एक बार तेजी भी आती है, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है अपनी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसीज जो बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंडिंग निकालते हैं, उनको बैलेंस बना के चले, जिससे कि मार्केट में हमेशा बैलेंस में पैसा बना रहे, कभी मंदी एकदम ना आए, कभी तेजी एकदम ना आए। दोनों ही कंडीशन में स्थिति खराब होती है, दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है तो महंगाई बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए एकदम पैसा समेट दिया जाता है तो मंदी का एक माहौल आ जाता है, जिस कारण प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है तो लोगों की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती तो नौकरियाँ जाती हैं। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। तो हमें बहुत सोच समझ के आगे डिसीजन लेने हैं, हमारी सरकारों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, तभी हम बैलेंस बना सकते हैं और अच्छी वित्तीय स्थिति में अपने को रख सकते हैं, अपने देश को रख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को रख सकते हैं। इस तरीके का बैंकिंग संकट जो है पूरे विश्व के लिए खतरा होता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई इससे आगे इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है तो फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोग अपने को अपडेट रख सकें, अपनी लिक्विडिटी को अपने पास बचा के रख सकें, आने वाले खतरे से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर सकें। इस तरीके की वीडियो आपको फाइनेंशियली नॉलेज देती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं और आप अपने और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाल बटन दबाना मत भूलिए। आपका एक सपोर्ट हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। हम और ज़्यादा रिसर्च वर्क के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और ज़्यादा रेस्पॉन्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जय हिंद।